नमस्कार, स्वागत है हमारे वशीकरण पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे दर्शकों? आप सब कैसे हैं? आशा नहीं विश्वास है कि आप लोग कुशल मंगल होंगे, बहुत अच्छे। तो चलिए, आज का विषय थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा। आज हम बताएंगे किसी भी लड़की को, चाहे कितनी भी टेढ़ी क्यों ना हो, कितनी भी घमंडी क्यों ना हो, कितनी भी रूढ़ी क्यों ना हो, जो आप उसको पसंद करते हैं लेकिन वो तो आपको पसंद नहीं करती है और आपसे रूठी रूठी सी रहती है, आपसे बहुत ही टेढ़ी में बात करती है, बहुत ही नकचड़ी किस्म की लड़की है, बहुत ही घमंडी किस्म की लड़की है, जो बहुत अपने आप पे घमंड करती है, उसको अपने बस में करने का पावरफुल तरीका बताएं। मेरे इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसी घमंडी लड़की को, ऐसी नकचड़ी लड़की को आप कैसे अपने बस में कर सकते हैं। इसमें लड़की और लड़का दोनों हो सकता है। जैसे कोई लड़की है, किसी लड़का को बहुत चाहती है, बट वो लड़का उसके हाथ नहीं आती है, उस लड़का उससे दूर दूर जाती है, वो लड़का से बात नहीं कर पाती है। जैसे उस लड़के को बस में करना, कोई लड़की को आप देखते हैं बहुत ही रूठी है, बहुत ही टेढ़ी है और बहुत ही घमंडी है, उसको अपने बस में कर सकते हैं। कैसे करना है, कब करना है, किस तरह करना है, हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। इस वीडियो में आप बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, बहुत ही पावरफुल वशीकरण टोटका है, जो कि ऐसी ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ इस मेरे चैनल पे ही मिलेगा। और आप इस चैनल के माध्यम से उस नकचड़ी, उस घमंडी लड़की या लड़का को अपने बस में कर सकते हैं। तो चलिए, कैसे करना है, कब करना है, हम आपको बताएंगे। उसके पहले आपसे मेरा एक विनती है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल घंटी को दबा करके प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए चलते हैं टोटका की ओर। टोटका को कैसे करना है, कब करना है, हम आपको बताएंगे। मंगलवार के दिन, हाँ जी सही सुने आप, मंगलवार के दिन एक पान का पत्ता और एक लवंग और एक सुपारी लीजिएगा, उसके साथ साथ थोड़ा सा गंगा जल लीजिएगा और उस सामग्री को लेकर के, पान का पत्ता, लवंग और इलायची और गंगा जल, इस सामग्री को लेकर के आपको करना क्या है, मंगलवार की रात में अपने बिस्तर पे ही करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिस्तर पे बैठ जाना है और बैठने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा सिंदूर लीजिएगा और एक सादे पेपर पे उस घमंडी, उस नकचड़ी लड़की का नाम लिखिएगा या उस लड़के का नाम लीजिएगा, बहुत ही आपसे घमंड करता है, ठीक है। यदि आप लड़की हैं तो लड़के का नाम लिखिएगा और लड़का है तो लड़की का नाम लिखिए। लिख करके लिखना है नीचे लड़की का नाम, जैसे हम आपको बताते हैं विजया, विजया, जिस लड़की का नाम समझ लो विजया है, लड़के का नाम विजय है, ठीक है। तो लड़की का नाम ऊपर, अगर लड़की को बस में करना है तो लड़की का नाम ऊपर लिखिएगा और लड़का का नाम नीचे लिखिएगा। यदि लड़का को बस में करना है तो लड़के का नाम ऊपर और लड़की का नाम नीचे लिखिए, ठीक है, आप तो समझ गए होंगे। उसके बाद क्या करना है, उस सामग्री को उसी के ऊपर रखना है, थोड़ा सा सिंदूर डाल देना है और उसको ऐसे अपने हाथ रख के ऐसे ढक देना है, और ढकने के बाद करना क्या है आपको हम बताते हैं। एक मंत्र बोलना है, कौन सा मंत्र है, ओम 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 हिरिम 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 स्वाहा, और स्वाहा के बाद उस लड़की या उस लड़के का नाम लिखिएगा और ऐसे फूक मारिएगा, फूक मारना है और फूक मार करके 51 बार इस मंत्र को, इस क्रिया को करना है। करने के बाद आपको करना क्या है, 51 बार के बाद आपको उसको रख देना है, रख करके सुबह गुरुवार, मंगलवार के बाद बुधवार को सुबह में नहा धोवा करके फ्रेश हो जाइएगा, और फ्रेश होने के बाद उस सामग्री को उठा करके किसी भी तीन फेड़िए या पीपल के वृक्ष के नीचे दफन कर देना है। दफन करने के बाद उसको वहीं पे छोड़ करके आपको वापस आ जाना है। हाँ, ध्यान रखें कि कोई देखना नहीं चाहिए, जब ये क्रिया कीजिएगा तो किसी की नजर में मत आइएगा, ठीक है। उसके बाद आपको वापस आ जाना है, आने के बाद करना क्या है, उस सामग्री को दफन करके आ जाइएगा, आने के बाद आप
एक घंटा वेट कीजिएगा, एक घंटा वेट करने के बाद आपका प्यार आपको बस में हो जाएगा, वो घमंडी नकचली लड़की हो या लड़का हो आपके बस में हो जाएगा और आपसे प्यार करने लगेगा। आपको जो मर्जी हो आप अपने प्यार को पा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यार भक्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए वसीकरण टोटल के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।